डंडोरा शासकीय अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अभिमन्यु ठाकुर ने क्षेत्र में चल रहे प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन संचालित होना पाए गए। अधिकतर अस्पतालों में दवाइयां भी एक्सपायर पाई गई। मामले की रिपोर्ट तैयार कर सीएमओ को भेजी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार सीएमओ को शिकायत मिल रही थी कि लंडोरा और आसपास के इलाके में अधिकतर अस्पताल अनाधिकृत तरीके से चल रहे हैं, जिनका संचालन झोला छाप डॉक्टर कर रहे हैं। गुरुवार को सीएमओ के निर्देश पर सरकारी अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अभिमन्यु ठाकुर ने टीम के साथ लंडोरा और आसपास चल रहे अस्पतालों का निरीक्षण किया। अस्पताल प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 13 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। सभी अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चलते पाए गए हैं। अधिकतर अस्पतालों में एक्सपायरी दवाइयां भी मिली हैं। कार्रवाई के दौरान 2 घरों में प्रसव केंद्र चलते मिले हैं। मौके से 2 लोग घरों पर ताले लगाकर फरार हो गए। अस्पताल प्रभारी ने बताया कि 1-2 डॉक्टर और अस्पताल पर ही डॉक्टर मिले हैं और 1 अस्पताल में मरीजों को खून चढ़ाने का मामला भी सामने आया है। उक्त अस्पताल से ब्लड के खाली बैग मिले हैं। मामले की रिपोर्ट तैयार कर सीएमओ को भेजी जा रही है। आगे की कार्रवाई जिला चिकित्सा अधिकारी के निर्देश अनुसार की जाएगी। खानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार का हमें आदेश प्राप्त हुआ था कि इधर लंडोरा क्षेत्र में बहुत से अनधिकृत अस्पताल और वो चल रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी के लिए हमारा आदेश था कि हम सबका तुरंत निरीक्षण करें। तो लगभग हमने 13 सेंटर आज घूमे हैं, उनका निरीक्षण किया, तो उसमें से कहीं भी हमें 1 नवजीवन अस्पताल को छोड़ के कहीं भी डॉक्टर नहीं मिला। अधिकांश जगह एक्सपायरी दवाइयाँ मिली और किसी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं था।